हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल +2 करके फंदे लेने होंगे। वैसे तो ये डिज़ाइन हमारा 1 लाइन का है, आगे की 3 लाइन हमारी बहुत सिंपल है, तो टोटल 4 लाइनों में ये डिज़ाइन बनके हमारा कम्प्लीट होगा। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ से शुरू किया है, वही डिज़ाइन अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। बॉर्डर के बाद ही हमारी फर्स्ट रो होगी, डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ से 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, शुरू के 2 फंदों को पहले हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये फंदा हमारा यहाँ पर सीधा हो जाता है। उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। 1 फंदा हमने बना लिया है ये, उसके बाद धागे को ऐसे लपेटेंगे, ये 2 फंदे हो गए। फिर से हमने इन्हीं 3 फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुनना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे 3 फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3। एच के फंदे को छोड़ के यही 3 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को। सबसे पहले शुरू के 2 फंदों को हम ऐसे सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 फंदा हमारा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हम 3 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। शुरू के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा। अब 3 फंदों से हम 3 फंदे बनाएंगे। 3 फंदों को हम ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदों को हम एक साथ सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 फंदा आ गया है, यार्न ओवर करेंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3। अब इसको हम ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। शुरू के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। 3 फंदों से हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 फंदा हमारा ये बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3। अब इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 फंदा आ गया है, धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3। अब इसको हम ऐसे निकाल देंगे। 3 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। शुरू के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 फंदा हो गया है, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अभी हमारे 3 फंदे हो गए, 1, 2, 3। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हैं। शुरू के 2 फंदों को हमने सीधे फंदे की तरह उतारना है। आप इकट्ठे एक साथ भी उतार सकते हैं, ऐसे करके वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। हमारा 1 फंदा आ गया है, धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। शुरू के 2 फंदों को आप एक एक करके भी उतार सकते हैं और 2 फंदों को एक साथ भी उतार सकते हैं। शुरू के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। धागे को ऐसे लपेटेंगे, ये 2 फंदे हो गए और फिर से इन्हीं 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे।
अब यहाँ पे हमारे तीन फंदे हो गए हैं, एक दो तीन, और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर शुरू के दो फंदों को हम सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे, दो फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर से इन्हीं तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अभी हमारे तीन फंदे हो गए और इसको ऐसे निकाल देंगे, एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की सेकंड रो। सेकंड रो में हमने सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। देखिएगा तीन तीन के ग्रुप बने हुए हैं, तीनों फंदों को हमने एक एक करके बुनना है। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस तरह डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की थर्ड रो। डिजाइन के थर्ड रो को पूरा सीधा बुन के हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने सीधी सीधी बुनी थी। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की फोर्थ रो। पहले फंदों को पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे और बाकी के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। डिजाइन की फोर्थ रो को उल्टा बुन के हमें कंप्लीट करना होगा। फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह चार लाइनों में डिजाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे तो ये एक ही लाइन का डिजाइन है, आगे आपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है, तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है फ्रेंड्स। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा, बनके बहुत ही सुंदर नज़र आता है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।